इंदौर में एक प्लॉट धारक के साथ हुई धोखाधड़ी के बाद बीते दिन वह जन सुनवाई में पहुंचा और पुलिस के सामने आत्मदाह करने की बात कहने लगा। मामले में आला अधिकारियों ने पीड़ित को उसका प्लॉट दिलवाने का आश्वासन दिया है। जी रुचिवर्धन मिश्र के सामने प्लॉट दिलवाने की बात कहने लगा। पीड़िता ने मीडिया को बताया कि उसका प्लॉट जवाहर नगर राजेंद्र नगर में करीब 20 से 25 सालों से है। कुछ समय से वहां अन्य लोगों ने कब्जा जमा रखा है। मालवी के मुताबिक बीते दिनों जब वह प्लॉट के पेपर लेकर मौके पर पहुंचे तो वहां भागवती बाई और अनिल जायसवाल नामक शख्स ने उनके साथ मारपीट की और प्लॉट के पेपर भी छीन लिए। पीड़ित के मुताबिक यदि उनका प्लॉट कब्जा करने वालों से पुलिस ने उन्हें नहीं दिलवाया तो वह आत्मदाह कर लेंगे। हमारा जवाहर नगर राजेंद्र नगर में प्लाट था, तो वहाँ पे हम प्लाट के विषय में गए थे तो हमको मारा पीटा और वहाँ से भगा दिया भगवंती भाई ने और अनिल जायसवाल ने। तो हम प्लाट के विषय में यहाँ पर आए हैं, हमारे सारे पेपर भी रख लिए उन्होंने और उसके बाद में उन्होंने ना तो प्लाट दिया ना कोई कार्रवाई करी और मारा पीट करके भगा दिया। कब लिया था प्लाट आपने? ये प्लाट लिया था हमने कम से कम उसको 20-25 साल। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति ये है कि अभी भू माफिया उनका भी दौर चल रहा है तो उनके विषय में हम मैडम से मिले हैं। अभी उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपको प्लाट हम दिलवा देंगे। कहाँ किस कॉलोनी में है आपका? हमारा प्लाट है जवाहर नगर राजेंद्र नगर कॉलोनी के। कितने में लिया था? अब वो तो हमारे पिताजी के समय का प्लाट है, वो तो अब हमको भी नहीं मालूम है कि उन्होंने उस समय कितने लिया था। बाकी सारे पेपर रखे हुए हैं हमारे पास। अभी हम चाहते हैं कि मैडम हमको हमारा प्लाट दिलवाया जाए। अगर आप प्लाट नहीं मिलता तो क्या वहाँ पे प्लाट नहीं मिला? आप पीड़ित हो और भी पीड़ित है क्या उसमें कोई लोग? नहीं, सिर्फ हम ही हैं। अगर प्लाट नहीं मिला तो उसके बाद क्या करेंगे आगे? अगर प्लाट नहीं मिला तो फिर हम आत्महत्या करने की चेतावनी दी है हमने।